जून महीने का पहला सप्ताह शुरू हो चुका है। जून के महीने में ग्रह नक्षत्र की दृष्टिकोण से काफी खास रहने वाला है, क्योंकि कई बड़े ग्रह जून के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसका प्रभाव 12 राशियों के ऊपर अवश्य पड़ेगा। अलग अलग सप्ताह में अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए देवघर के ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि किस राशि के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि, इस सप्ताह आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एकाग्रता की कमी के कारण बनाया काम बिगड़ सकता है। छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण समय है और परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है। उपाय, हनुमान जी की पूजा कर सुंदरकांड का पाठ करें। यह सप्ताह में मेष राशि वालों के लिए नकारात्मक रहने वाला है। मेष राशि वालों का यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं रहेगा। एकाग्रता की कमी होगी और कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकते हैं। सोच समझ करके यह सप्ताह आप व्यतीत करें। वृषभ राशि, यह सप्ताह आपके लिए खुशियों से भरा होगा। छात्रों को सफलता मिलेगी और आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य की चिंता समाप्त होगी। घर में पूजा पाठ और हवन हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले का हर कार्य पूरा होगा और छात्रों के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि, यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। छोटी छोटी तकलीफें परेशान कर सकती हैं। इनकम होगी लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। शेयर बाजार में निवेश से बचें। उपाय, भगवान शिव के ऊपर दुग्धाभिषेक कर राम नाम लिखा बेलपत्र अर्पण करें। मिथुन राशि वालों का यह सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं आ सकती हैं। विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्क राशि, आपके लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। कर्क राशि वालों का यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उत्तरोत्तर सुधार होता जाएगा। आपका यह सप्ताह बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि, यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता परेशान कर सकती है। कार्यों में अधिक व्यस्तता रहेगी और थकान शारीरिक समस्या दे सकती है। उपाय, भगवान गणेश की पूजा करें। सिंह राशि वालों का मिला जुला रहेगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है यह सप्ताह, इसलिए आप कोई भी कार्य सोच समझ के साथ करें। कन्या राशि, खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर खर्च करें। किसी पर आँख मूंद कर भरोसा न करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उपाय, हनुमान जी की पूजा कर सुंदरकांड का पाठ करें और चूरमा का भोग लगाएं। कन्या राशि वालों का मिला जुला रहेगा और खर्च ज्यादा होगा। आपको खर्च इतना होगा, यदि आप समझदारी से नहीं करेंगे तो आपको कर्ज तक भी जाना पड़ सकता है। तुला राशि, करियर और कारोबार में शुभ समाचार मिल सकते हैं। उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे और कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर और जूनियर दोनों आपके पक्ष में रहेंगे। तुला राशि वालों का यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा, शुरुआत अच्छा रहेगा और अंत में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। वृश्चिक राशि, करियर और कारोबार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ खटपट हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी थोड़ा कठिन समय रहेगा। उपाय, भगवान शिव की पूजा कर शिव चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि वालों का यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। करियर कारोबार में उतार चढ़ाव का योग बन रहा है और यह सप्ताह में आपका इनकम होगा, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी होते जाएगा। धनु राशि, यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहेगा। करियर में वृद्धि होगी और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। घर, वाहन, भूमि खरीद सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद समाप्त होंगे और जीवन साथी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। धनु राशि वालों का यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है। आपको धार्मिक कार्य में रुचि होगी, घर में हवनादि कार्य करने का मौका मिलेगा। यह मौका से आप चुके नहीं, आपको लाभ होगा। मकर राशि, कुछ बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य समय पर पूर्ण न होने के कारण मन में तनाव हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा रिश्तों पर असर पड़ेगा। उपाय, केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का जाप करें। मकर राशि वालों का यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। समय पर कार्य पूरा नहीं होने के कारण मन निराश लगेगा। आप सोच समझ करके कोई कार्य करें। कुंभ राशि, यह सप्ताह बेहद सकारात्मक रहेगा। भाग्य साथ देगा और हर कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए मनचाहा ट्रांसफर और पोस्टिंग के योग बन रहे हैं।
व्यापार में भी धन निवेश के लिए समय अनुकूल है। कुंभ राशि वालों का यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है और आपका दुर्भाग्य जो है वह सौभाग्य में बदलने वाला है। यह सप्ताह आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा। मीन राशि, यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा। खर्चे होंगे लेकिन इनकम भी दोगुनी होगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए सफलता के योग बन रहे हैं। रोजी रोजगार की तलाश पूरी होगी और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मीन राशि वालों का यह सकारात्मक रहेगा। यह सप्ताह इनकम ज्यादा होगा, खर्च कम होगा। आप यदि कुछ नया काम करना चाहते हैं तो यह सप्ताह में आप शुरुआत करें, आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। तो ये था जून के पहले सप्ताह का राशिफल। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।